पढ़ाई करते हो? मन लगता है? नहीं लगता है। सुनीता जी, खेती किसानी में लाभ नहीं मिल रहा है तथा घर में बच्चों के ऊपर तंत्र हो रहा है, तंत्र बाधाओं को लेकर आपका कलेजा फटा जाता है। बच्चों की हालत देखकर बहुत ज्यादा दिक्कत में है। आपके बेटियों पर जो बहुत बड़ा तंत्र है, भूत प्रेत भेजे जाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, क्रोध हावी हो जाता है, विवाह आदि के योग नष्ट कर दिए ताकि इनके विवाह ना हो, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं। दो बेटियों को पहले मारना चाहते हैं, दो नंबर पहले बेटियों का है, इनको मारना चाहते हैं। आपके पुत्र की बुद्धि किलित है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है तथा देवी देवता बांधे हुए हैं आपके ऊपर, उच्चाटन प्रयोग और मारन प्रयोग। उच्चाटन इसलिए किया है ताकि आप सब लोग वहां से, वो गांव जहां भी रहते हो, सब छोड़कर बेज बाज के चले जाए। नहीं है ना? हाँ, यहाँ लिखा है, देखिए कि सब बेज बाज कर आप लोग चले जाए। उच्चाटन तंत्र प्रयोग हुआ है, उच्चाटन के साथ मारन, मतलब जैसे घर जाते पीड़ा चालू, घर में पैर रखने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है घर नहीं हो मसान है, ऐसी अवस्था है। मारन प्रयोग जो है वो रोग बना रहा है, शरीर में पीड़ा दे रहा है। आपके घर में तंत्र बाधा पिछले 10 साल से है, ये अभी से नहीं है, 10 साल पुराना है और ये 2020 से उग्र होता चला गया। आपका बेटा बेटियों को बर्बाद करके भिखारी की तरह जीवन जिए, ये वो लोग चाहते हैं जो कर रहे हैं, और आप उनको जानते हैं, ठीक है? हाँ, बस गुरु जी एक हाँ। निवेदन है कि जिस तरह आप भटके हैं, हाँ, उस तरह माता हमारे लिए न्याय करे। बिल्कुल न्याय होगा आपके साथ। घर में जो अनाज होता है, जो भी आप अनाज खाते हैं, उस पे भी ये जो जीन खबीज है आके तंत्र की अशुद्धियां डाल देते हैं। मतलब आप कहीं से इलाज करेंगे, दो दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन वापस वही स्थिति आपकी हो जाएगी। वही हो रहा है ना? हाँ, जमीन में जो है हड्डी दबाई हुई है उच्चाटन प्रयोग के लिए, मतलब वहाँ पे कोई भी कार्य करेंगे लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा आपको। कुछ भी वो गुरु जी, हाँ, नहीं होगा, पैसे लग जाएंगे। खेतों के कामों में लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि हड्डी दबाई हुई है, उच्चाटन प्रयोग और फसल बर्बाद करने की क्रिया है।